रेस्क्यू से पहले मुझे तुम वो बता दो कि रॉबिन का क्या हाल चाल है, लोग भी बहुत पूछ रहे थे। अभी तो हमने उसको वॉक पे ले जाना शुरू किया है, जिसके लिए हम पोलन रोप यूज कर रहे हैं। बाहर निकलने के बाद शांत रहता है जब तक कोई ह्यूमन और एकदम एनिमल एकदम से पास ना आ जाए। पर उसको ह्यूमन से प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, एकदम से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर एक एरिया के बाद ही वो नॉर्मल रहता है ह्यूमंस के साथ ना, एज इन उसको अपना स्पेस चाहिए। और अब की बार के रेस्क्यूज, एक पपी आया है, दो डॉग्स आए हैं, एक पैरट आया है, एक बंदर आया है और एक किटन आई है, एक गाय आई है और एक बैल आया है। बाबा रे, जो एक डॉग यहाँ नहीं आया पहले मुझे उसका बता दो, जो गड्ढे में गिरा हुआ था उसकी क्या कहानी थी? सर वो तो वहीं पे रेस्क्यू हो गया था। पहले जैसे पौड़ी से नीचे जाके एक बार ट्राई किया कि इसको ऊपर लेते हैं, लेकिन खाने पड़ रहा था। फिर इसने एक दो बार खुद इसने ट्राई किया ऊपर तक, पर नहीं पहुंच पाया, फिर बैठ गया था नीचे। एटलीस्ट 15 फीट का वो होगा ना गड्ढा। जब ये लोग बंदर का रेस्क्यू करने गए थे उस वक्त में हमें कॉल आई थी और वो लोग वहीं से उसके रेस्क्यू के लिए चले गए थे। उनके पास नेट थे, लीश वगैरह नहीं ले गए थे क्योंकि बंदर के लिए लगती नहीं, तो उस हिसाब से वो लोग पहले तो सीढ़ी लगी हुई थी नीचे गए, लेकिन डॉग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, तो साथ में पंकज भी थे, तो उनकी वजह से भी काफ़ी हेल्प हो गई नवीन की, अदरवाइज नवीन अकेला हो जाता। पंकज जो हमारे वॉलेंटियर है, हाँ, काफ़ी कोशिश करने के बाद उन्होंने नेट वेट में डालने के बाद उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उल्टा सीढ़ी से चल जाए, नेट का प्रोटेक्शन इनको मिल जाए, लेकिन तब भी नहीं जा रहा था। फिर नेट में उसको फंसाया, फिर नेट को गौज से बांधा और उसके बाद फिर ऊपर खींचा। डॉग को चोट कोई नहीं, नहीं चोट कोई, बस वो गिर गया था। हाँ, अंदर फंस गया था और कोई निकाल नहीं पा रहा था, वो खुद भी नहीं निकल पा रहा था। यही होता है जब आप टेक्स्टिंग करते हुए चलते हो। और जिस बंदर का रेस्क्यू करके ला रहे थे, ये वो है जिसको कुत्ते ने हमला किया था इसके ऊपर ना, रात भर यही रहा ये बेचारा, हमने सोचा सुबह मर गया होगा। जब सुबह उठे तो देखा तो फिर ये इसकी सांस चल रही थी। ये काफी दूर का रेस्क्यू था लेकिन उसकी कंडीशन खराब थी, इसलिए हम लोग पालमपुर तक गए थे इसको लाने के लिए। हमारा दायरा 8 किलोमीटर का ही है, पर अगर भाई बड़ा कोई एक्सट्रीम केस है और हमारे पास गाड़ी अवेलेबल है, टाइम है, यहाँ पे स्पेस है, तो हम दूर के रेस्क्यूज करते हैं। वैसे 8 किलोमीटर का ही हमारा दायरा है। तो हम लोग फिर वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद वो मंकी को लोग छूने से भी डर रहे थे ना, तो फिर खुद जाके उसको रेस्क्यू किया और फिर वहाँ के डायग्नोसिस में पता चला कि उसका पीछे का पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड है, कि स्पाइनल कॉर्ड कटी हुई थी। अच्छा, तभी वो बिल्कुल ही रिएक्ट ही नहीं कर रहा, बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस फेस मूव कर पा रहा था, उससे ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट था नहीं। थोड़ा बहुत खाया भी उसने, उसके बाद फिर उसने खाना भी छोड़ दिया था। तुमने इतने जो जानवरों की लिस्ट बताई, तो इनके लिए जगह बनाई गई, रिलीज कौन हुआ है? छोटा भीम रिलीज हो गया, जिसकी बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई थी और बहुत जल्दी रिकवरी हुई थी इसकी। छोटा भीम वही है ना जिसके टेस्टिकल्स में इंजरी थी, जिसको हमने ज्यादा गंदी वाली इंजरी थी। हाँ, बाद में जो आया था। हाँ जी, जो उससे पहले आया था टेस्टिकल वाला अप्पू, उसका हीलिंग अभी प्रोसेस में है सर, उसका टाइम लग रहा है क्योंकि वो झड़ेगा। अब इसका हमने सर्जिकली रिमूव ही कर दिया था टेस्टिकल्स, तो इसकी हीलिंग काफी अच्छी हो गई। और अप्पू को हमने सर्जिकली रिमूव क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको उस टाइम पे उतना सीरियस वोंड था नहीं, फिर हमने कैस्ट्रेशन कर दी, तो वो एक स्लो प्रोसेस है लेकिन हो रहा है हीलिंग। एक हमारी वो गाय नहीं दिखी, पायल भी रिलीज हुई सर। हम चाहते तो थे रखना लेकिन हमारे पास जगह नहीं थी और अडॉप्टेड काउज के एरिया में भी जगह नहीं है, तो फिर उसको रिलीज करना पड़ा। एक बारी हमारा ये अस्पताल कंप्लीट हो जाए, तो हमारा स्पीति प्रोजेक्ट में बड़ा खर्चा हुआ, अस्पताल में बड़ा हो रहा है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट काव सेंचुरी है, उसके बाद एटलीस्ट कुछ टाइम तक हम ऐसे जो छोटे बछड़े वगैरह हाँ। रख लेंगे, पर फिर वो काव सेंचुरी भी एक टाइम पे फुल हो जाएगी। हाँ ठीक है, ओके। तो खैर एनीवे, सॉरी, उस बंदर का किया क्या आपने? सर उसको तो हमें यूथनाइज ही करना पड़ा, कोई और कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, वो भी सफारी कर रहा था ना, सिर्फ उसका हेड हिल रहा था। नूरी से मिला हुआ है सर, इधर से ही चलते हैं, बैल बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। ये अग्रेसिव है मुझे लगा, नहीं नहीं ये तो थाना से ही शांत है काफी, ये है अग्रेसिव। ओ, ये जो स्पैनिश सा लगता है। नूरी की स्प्लिंटिंग हो गई ना, अभी उसका इन्फेक्शन काफी ज्यादा क्लियर होने लगा है, तो हमने फिर स्प्लिंटिंग भी शुरू कर दी है ताकि हीलिंग और थोड़ी सी फास्ट हो जाए। तो अब इसकी स्प्लिंट कितने टाइम में खुलेगी और हमें पता लगेगा कि ये ओपन तो होती रहेगी है ना, 15 डेज के बाद एक बार फिर रिकवरी चेक कर सकते हैं कितना हुआ है उसके बाद, लेकिन फाइनल मेरे ख्याल से 30 डेज तो लगता ही है कोई भी बोन हीलिंग के लिए। तो हम नूरी का अपडेट तो आपको देते रहेंगे। एक यार वो जो लोग कह रहे थे कि जो झोला अडॉप्ट हुआ है लोग, हाँ, उनको हाँ। कहना डॉक्टर को कि उसके वीडियोस वो भेजते रहेंगे। वैभव कह रहा था कि राजा को थोड़ा पेट खराब हो गया। हाँ तो होगी ब्लोटिंग। ये और नूरी जब मौका मिला जो हमारे जो घास कट के आती है गाय के लिए बकरों के लिए, ये लोग शुरू कर देते हर चीज में मुंह मारते, जब मौका मिला तब।
तभी ये भी प्रेग्नेंट लग रहा था मुझे तो उस दिन। ब्लोटेड था, सर ने उस टाइम पे सिर्फ दे दी थी ऑलरेडी, इसलिए वो जो लूज मोशन है वो इसलिए हो रहा था, और उसके बाद ये ठीक ही है अभी तो। एंड फेरियर आपको मिल गया था? हाँ हाँ। जो हमारा रेगुलर फेरियर है वो नहीं, दूसरा कोई बुलाया ना। चतुर सिंह की नाल निकल गई है पैर की, चरणदास का खुर कट गया है, हो गया है नेल ट्रिमिंग, क्या नाम है, चिंगारी और चार्ली। तो इसका खुर ये शेप में तो है नहीं सर, उस टाइम पेन भी है ना अभी इसको, तो उन्होंने बोला कि अभी इतना ही रहने दो, रोज इसको गीला करो, मैं थोड़े दिन बाद आके फिर प्रॉपर कर दूंगा। तो आप रोज कर रहे हो गीला? हाँ हाँ। ज्योति आपको और अपडेट दे, उससे पहले मैं आपको अस्पताल का एक छोटा सा अपडेट दे दूं। एक समस्या हो गई है, जो इंसुलेशन हमने प्लाई के नीचे लगाई थी भाई, क्योंकि उसकी एक साइड सिल्वर है, इससे अस्पताल में लाइट भी अच्छी रहती, इंसुलेशन तो हमें मिलती, वो धूप में तप के गिरना शुरू हो गई। हमने दो चार तरीके और अपनाए पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ, हार के हमने इंसुलेशन को प्लाई के ऊपर कर दिया, प्लाई को हम नीचे से व्हाइट पेंट कर देंगे, होपफुली अस्पताल में लाइट की प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगी। अब इंसुलेशन के ऊपर आनी है बिटुमिन शीट, तो अब हम थोड़ा डर गए कि भाई ऐसा ना हो बिटुमिन शीट भी गर्मी से पिघल जाए, वैसे तो 80 डिग्री में वो पिघलती है, पर हमने वो भी एक जगह टेस्टिंग के लिए डाल के रख दिया, उसके ऊपर स्लेट रख दिए हैं। अब जो भी अपडेट होंगे अच्छे या बुरे हम आपको देते रहेंगे। हमने गोरा को भी रिलीज कर दिया जिसका एम्पुटेशन हुआ था, उसकी न्यूटर सर्जरी भी हो गई थी, उसको भी रिलीज कर दिया हमने। लोग अक्सर पूछते हैं कि अभी ये 3 लेग्स पे है, केयर टेकर है, उनसे बात हो गई हमारी पूरी, आगे अगर कोई भी इशू आएगा वो कनेक्टेड रहेंगे हमसे, वो आते भी थे मिलने, तो इस बार थोड़ा सा और रिलैक्स है हम लोग इसको रिलीज करने के बाद। तुम फॉस्टर कर रहे हो, जो बिल्ली आई है या जो किटन? दो है सर, किटन आई है वो मेरे रूम में है, और उसके पहले जो किटन आई थी वो भी मेरे पास ही है अभी। और जो पपी है उसका क्या है? वो तो दरंग से आया था, वो आया था मतलब, हाँ मैंने उसको वापस रिलीज करा दिया, उन्होंने बोला कि मैम फ्रैक्चर है इसको, और बहुत बड़ी पट्टी बांध रखी थी पैर में, लेकिन इसको कोई फ्रैक्चर नहीं था, लेमनेस थी जो कि थोड़ा सा दर्द था उसके पैर में, जिसकी वजह से वो पैर उठा के चल रहा था। अब उसकी मदर, उसके सिबलिंग्स वहाँ सारे हैं, उसकी जो मदर की सर्जरी है वो प्रतिभा देख लेंगी, और बच्चों का भी ध्यान वहाँ पे रख लेते हैं, तो मैंने उसको वापस वहीं पे छुड़वा दिया। प्रतिभा धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू वाली? हाँ। और जो गाय और बैल, गाय जो सर छतड़ी से कल हम गाय रेस्क्यू करके लाए हैं, इसका जो पैर है उसकी नीचे वाली यहाँ की हड्डी निकल गई है यहाँ से, तो इसको तो शाहपुर पहले भेजना पड़ेगा कि कुछ पॉसिबल है भी कि नहीं, क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा कि कुछ कर सकते हैं, हड्डी पूरी बाहर आ गई है सर। कुछ नहीं कर सकते तो मतलब एम्पुटेशन है? एम्पुटेशन, इतना भारी शरीर ये कैसे करेगी 3 पैर में, पूरी बोन यहाँ से निकली हुई है। तो फिर भी एक बार अगर डॉक्टर अरविंद कुछ सजेस्ट कर पाए या वो फिट कर पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है खींच के, ये शाहपुर की जो बात हो रही है ये सरकारी पॉली क्लिनिक है, डॉक्टर अरविंद वहीं पे काम करते हैं, तो उनको हमने फोटो वगैरह भेजी, वो लोग नहीं, नहीं सर अभी इसका ट्रीटमेंट हुआ ना, फर्स्ट डे था आज इसका, तो मैं अभी उनसे बात करूंगी, अभी तो डॉक्टर हिमांशु भी अंदर सर्जरी में है, उसके बाद हम आज सेकेंड हाफ में इसको भेज के मैं आपको आगे का बता दूंगी फिर। और जो बैल आया है इसको भी छतड़ी से ही रेस्क्यू किया है, इसकी जब फोटो आई थी, सिमिलर इंजरी है क्या वो जो पहले पिछली बार जो बैल आया था उसके भी यहीं पे चोट थी? नहीं नहीं, उसकी नीचे वाले हिस्से में है थोड़ी सी ना, गंगोत्री की तरह बोल सकते हैं, गंगोत्री की थोड़ी सी साइड में है, और गंगोत्री की भी यहाँ पे ही है, इसकी भी सेम इसी जगह पे है। हाँ, तो उस वो जो पिछली बार बैल आया था उसकी भी तो यहाँ पे, लेकिन इसका मेन इंजरी यहाँ पे था जब हमें फोटो आई थी ना, तो ये पूरे हिस्से में ऐसे ब्लड था, ये बाद में जब ये लोग ला रहे थे ना तब यहाँ से निकल गया ये, तब ये वोन दिखा मुझे, ये उतना गहरा नहीं है, मेन ये था, अभी तो इसकी हीलिंग काफ़ी जल्दी हो रही है, तो ये बेहतर कंडीशन में है, जब ये आया था उससे काफ़ी बेटर कंडीशन में। और जो डॉग आया वो मैगेट वुंड के साथ है? मैगेट वुंड है उसको नेक में, वो तो लगभग ठीक भी होने वाला है, और आज उसकी न्यूटर सर्जरी भी है, और जो एक डॉग आया अक्रोटी से, उसका ट्यूमर था पैर में, उसकी भी सर्जरी हो चुकी है, उसकी हीलिंग चल रही है अभी। आई थिंक मुझे तो ज्योति से इतना ही पूछना था, अगर आपको किसी स्पेसिफिक एनिमल का अपडेट चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, ज्योति वो अपडेट अगली बार देगी, अनलेस आपके पास अभी भी कुछ और। सुबह सुबह एक पैरट रेस्क्यू के हमारे पास आया है, उसके विंग के नीचे एक काफ़ी गहरी इंजरी है जिसकी ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दी है, इसको रखने के लिए अभी हम थोड़ी सी सेफ जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर डॉग्स की आवाज़ उतनी क्लियरली ना पहुँचे, ताकि बर्ड को कोई स्ट्रेस ना हो और वो थोड़ा सा रिलैक्स रहे, जिससे हीलिंग थोड़ी जल्दी हो। ठीक है, बाय ज्योति, बाय कह दो।